स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पज़ सब्सिडरी बुक्स का। इससे पहले चैप्टर मैंने आपको कैश बुक के बारे में कराया था कि जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है सब आपकी कैश बुक में जाती हैं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, रिसिप्ट करो, कैश बुक की पेमेंट सारी कैश बुक में दिखाते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल और भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जैसे हमारी परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है, जनरल प्रॉपर है, उसके बारे में अब इस चैप्टर में हम करेंगे कि इसकी हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इसके अंदर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले कौन सी बुक बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं। तो परचेज बुक में हम केवल एंट्री करते हैं जो उन्होंने गुड्स क्रेडिट में ख़रीदा है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, केवल उसी की एंट्री हम परचेज बुक में करते हैं। एक तो इसके अंदर आपने कैश परचेज की एंट्री नहीं करनी, जो गुड्स आपने कैश में परचेज किया है। एक असेट्स की एंट्री नहीं करोगे आप इसके अंदर, चाहे आप कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, उसकी एंट्री इस बुक में नहीं होती है। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स आपने क्रेडिट में ख़रीदा है, केवल उसी की एंट्री आप किस बुक के अंदर करते हो, परचेज बुक के अंदर करते हो। द्वारा ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ वो गुड्स, जो गुड्स आपने क्रेडिट में ख़रीदा केवल उसी की ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, कैश परचेज को शो नहीं करोगे। एक असेट्स, चाहे आप कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, उसकी एंट्री इस बुक में नहीं होती है। ओनली जो गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज करोगे उसी की एंट्री आप केवल परचेज बुक में करोगे, इसके अलावा वो कोई एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आपका परफॉर्मा क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना, ऊपर लिखना है परचेज बुक। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, डेट के बाद नेम ऑफ द सप्लायर, उसके बाद फिर आपका इनवॉइस नंबर रहेगा, LF, डिटेल, परचेज अमाउंट, उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, क्योंकि परचेज करोगे तो उस पर इनपुट आपका लगता है जो CGST वगैरह लगता है। उसके बाद फिर आपका लास्ट में आएगा टोटल, ये फॉर्मेट आपका रहेगा परचेज बुक के अंदर। सबसे पहले दोबारा तो क्या लोगे, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। और आपने केवल क्रेडिट परचेज की एंट्री इसके अंदर करनी है, कैश परचेज या सेट्स अगर आप चाहे कैश में खरीदो चाहे आप क्रेडिट में खरीदो, उसकी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे, एक बार फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप निकाल लीजिए। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक अपॉन इलेक्ट्रिक स्टोर, क्योंकि ध्यान है ना उसका काम इलेक्ट्रिक का है, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान होगा उसकी एंट्री वो इसके अंदर करेगा। और CGST SGST क्या रेट लगाना है, 6% आपने लगाना है। ठीक है, और न्यू दिल्ली का है ध्यान रखना, तो अगर न्यू दिल्ली होगा तो फिर इसमें सेम अगर स्टेट होगा, जैसे दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, तो इसमें दोनों लगेंगे, आपका CGST भी होगा SGST भी होगा इनपुट वाला। लेकिन अगर स्टेट से बाहर जाएगा तो आपका इनपुट IGST लगाना। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंट्री आ गई June 2, 2017, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी स्टोर, दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर दे रखा 480। अब इसकी एंट्री हम इसके अंदर शो करेंगे, तो क्योंकि गुड्स की एंट्री है और क्रेडिट में खरीदा गुड्स उसने, ध्यान रखना। तो पार्टी का नाम है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, तो आप सबसे पहले क्या करना, डेट डालना, जैसे June 2 होगी, पार्टी का नाम डालेंगे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, अंडरलाइन करना इसको। इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस नंबर इसका दे रखा 480 डालेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद पार्टी का नाम, जिसे जो जो आपने परचेज किया वो लिखनी है यहाँ पे, जैसे 40 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो ये 20,000 बनेगा। डिटेल में डालना, ठीक है, अमाउंट ऐसे करके। और परचेज किया हमने इससे 15 टेबल फैन है एट द रेट ऑफ 2,000 ईच, तो 15 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 2,000 ईच, तो 30,000 आपका यहाँ आ जाएगा ऐसे करके। फिर आप इसका टोटल करना, टोटल आपका बन जाता है 50,000। इसके बाद इसमें से लेस करते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20%, तो 50,000 का 20% लगाना 10,000, या आप इसमें से डिडक्शन कर देंगे, लेस कर देंगे 40,000। फिर इसके अंदर ऐड होता है प्लस, CGST भी रहेगा और SGST भी रहेगा। CGST है 6%, ये भी 6%, इनपुट होगा ध्यान रखना, इनपुट CGST, इनपुट SGST। 40,000 का 6% करेंगे 2,400 आएगा, 2,400 ये वाला आप लगा दीजिएगा, टोटल आपका बन जाएगा 44,800। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगी।
4 4 कितना आएगा, 800। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब आप इसको अंदर आगे अलग अलग करोगे तो आपका इस 44800 के आगे डालना जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आया है ना, उसको आप डाल देना परचेज के सामने। फिर इनपुट CGST कितना लगाया था, 2400 वो यहाँ लगा देना। इस पर SGST भी आपका 2400 बना था, वो आपको यहाँ आ जाएगा। इनपुट IGST इसमें नहीं बना था, वो टोटल आप दिखा देना 44800 टोटल आप यहाँ शो कर देना। तो दोबारा देख लेंगे, सबसे पहले June 2nd पार्टी का नाम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर आपका 480, इनवॉइस नंबर डालेंगे। उसके बाद 40 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 500 ईच 20,000, 15 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 2,000 ईच 30,000, टोटल 50,000 हो गया। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 10,000, 40,000 आपका बच गया बाकी बैलेंस। प्लस करेंगे CGST और SGST कितना कितना रेट है, 6%, 2400 2400, टोटल आपका 44800 हो गया। 40,000 परचेज के सामने, 2400 इनपुट CGST में, 2400 इनपुट SGST में, IGST नहीं होगा, 44,800 आपका टोटल हम बनाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री आप देखो, सबसे पहले आपने करनी है या नहीं करनी है, इसके अंदर परचेज गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर, ये भी गुड्स खरीदा न्यू लाइट ट्रेडर टू नोट प्लेस है न्यू दिल्ली से, ऑन क्रेडिट है आपकी दिल्ली है, ये भी आपका दिल्ली का था, ऊपर देखो ये भी दिल्ली का है, तो यानी दोनों लगेंगे। इस पर भी आपका इनपुट CGST भी होगा, इनपुट SGST भी होगा। और एक तो खरीदा आपने 10 सीलिंग फैन एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 500 ईच। लेस ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है, 10% है, बिल्कुल ऐसी जैसे अभी आपने एंट्री की है बिल्कुल वैसे एंट्री करेंगे। तो June 10 डालेंगे, डेट डाल दीजिए, ईयर एक बार डाल देना ऊपर, 2017 ईयर है। पार्टी का नाम है आपका न्यू लाइट ट्रेडर्स, और ये आपका एक्को नोट प्लेस न्यू दिल्ली का, पूरा थोड़ा एड्रेस डाल देंगे इसका, न्यू दिल्ली तो नोट प्लेस भी अगर डालना चाहो तो डाल देना जरूर एक बार, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करना इसको, पार्टी के नाम को, जो जो उससे परचेज किया, जैसे अब 10 सीलिंग फैन है एट द रेट ऑफ 3,000 नीचे, तो भी डालेंगे 10 सीलिंग फैन एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, टोटल आपका 30,000 बन जाएगा, इसके साथ यहाँ डाल देंगे इसमें। नेक्स्ट हमने परचेज किया है 20 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो 10,000 यहाँ पर डाल दीजिए, टोटल आपका बन गया 40,000। अब इसको लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट हमें दे रखा 10%, 4,000 इसमें से डिडक्ट कर देंगे, 36,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। प्लस करेंगे इसके अंदर अब CGST और SGST, CGST SGST दोनों का रेट 6 6% 6% 6%, 36,000 के ऊपर लगाना, 36,000 का अगर 6% करेंगे तो ये बन जाएगा 2160 2160 2160 2160, इसका टोटल करेंगे यहाँ पे हम, टोटल जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा इसके अंदर 40320 40320, नीचे आप लाइन लगा देंगे इसके। तो अब इसके बाद आप इसको मैंने अलग अलग बता दिया कैसे करना, अलग अलग आपने जैसे परचेज में तो आप डालेंगे टोटल मिला के 36,000, ये परचेज में एंट्री आएगी 36,000 यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद 2160 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2160 यहाँ पे आएगा, और टोटल करके यहाँ पे आप डाल दीजिए 40320 टोटल अमाउंट में, या आपकी सेकेंड एंट्री ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा प्राइम क्वेश्चन को आगे, और इनवॉइस नंबर भी आपको दे रखा हो जरूर डालना है, जैसे इसमें इनवॉइस नंबर था हमारे पास, ये इनवॉइस नंबर है आपका 2310, इसको भी डाल के चलेंगे, 2310 आपका इनवॉइस नंबर भी यहाँ डाल देना, 2310 इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली, ये भी एंट्री आपकी जाएगी ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर कितना है, 1508, तो ये भी एंट्री हम इसके अंदर करेंगे, ये भी एंट्री हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अभी डालते हैं एंट्री को, पहले देखते हैं फिर कैसे डालेंगे। 100 डजन बल्ब हैं एट द रेट ऑफ 600 पर डजन, 20 वाटर हीटर हैं एट द रेट ऑफ 1,000 ईच। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 25%, तो ये भी एंट्री जाएगी इसके अंदर। पार्टी का नाम क्या है, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी न्यू दिल्ली।
20 डेट डालेंगे यहाँ पे, जून 20। रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, न्यू दिल्ली। तो इसके अंदर हम डालेंगे, तो इससे क्या क्या लिया है, तो 100 डजन बल्ब हैं और इनवॉइस नंबर 1508 है। तो 100 डजन बल्ब एट द रेट ऑफ है 600 पर डजन, तो 60,000 आपका यहाँ बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 20 वाटर हीटर हैं, एट द रेट ऑफ 1000 ईच, 1000 के हिसाब से ये बनाएंगे, तो ये बनेगा 20,000 आपका, ये बन जाएगा। टोटल मिला के इसमें हो गया 80,000। लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर आपको दे रखा है 25% है, वो चेक कर लीजिए, 25% है ना, तो 80,000 कम क्या करेंगे, 25% करेंगे, तो ये बन जाएगा 20,000। तो 60,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसका हम करेंगे प्लस, वो लगाएंगे इसके अंदर प्लस इनपुट सी जी, क्यों डेली का है तो इनपुट ही रहेगा, प्लस इनपुट सी जी एस टी, प्लस इनपुट क्या रहेगा एस जी एस टी, दोनों कितने कितने परसेंट हो गए, 6% लगाएंगे, तो 3600 ये बन जाएगा, 3600 ये बन जाएगा। टोटल कर देंगे इसका, टोटल बन जाएगा 67200, 67200। फिर आप क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आया है वो तो आपने परचेज के सामने डालना है 60,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 3600, ये आप डालेंगे इसके सामने इनपुट सी जी एस टी, 3600 डालेंगे इनपुट एस जी एस टी, आई जी एस टी इसमें नहीं है। उसके बाद आप टोटल करके ये अमाउंट आपका आ जाएगा बिल्कुल सामने 67200। तो ये क्वेश्चन आपका, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखना आपकी होगी कि नहीं होगी बताना। देखिए इस नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है, बोर्ड फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। अब देखो ये एंट्री कैश वाली है, हमने गुड्स कैश में ख़रीदा है, तो इसकी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी, परचेज बुक के अंदर या जाएगी कैश बुक के अंदर, ठीक है। और ये बोर्ड फॉर फैशन फर्नीचर हाउस, अब चेयर वगैरह खरीदी, टेबल वगैरह खरीदी, तो काम उसका क्या है, इलेक्ट्रिक स्टोर है, यानी इसका जो गुड्स है वो इलेक्ट्रिक का सामान है, ठीक है, वो भी क्रेडिट में खरीदेगा, उसकी एंट्री करनी है। ये उसने फर्नीचर वगैरह खरीदा है तो ये असेट्स है, खरीदा तो क्रेडिट में है लेकिन असेट्स है ये, तो इस असेट्स की एंट्री भी इसके अंदर हम नहीं शो करते, असेट्स चाहे कैश में खरीदे चाहे क्रेडिट में खरीदे, उसकी एंट्री इसके अंदर नहीं होती, यानी दोनों एंट्री नहीं आएंगी, 22 वाली भी नहीं करना है और 28 वाली एंट्री भी इसके अंदर नहीं करोगे। तो एक कम्प्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। अब आपने क्या करना है, फाइनल जब क्वेश्चन को करोगे ना, तो एक काम करना है आपने, यहाँ पे नीचे आप लाइन लगाएंगे पूरी अवर, तो इसके बाद आप करेंगे यहाँ टोटल जून 30 लास्ट डेट को करना, जून 30 टोटल, टोटल में एक तो परचेज का टोटल करना आपने, मतलब टोटल इस वाले परचेज का, जो परचेज का कॉलम था ना आपका, देखो परचेज वाला कॉलम का, एक तो इसका टोटल कर देना, इसका टोटल बन जाएगा 1,36,000। एक करोगे इनपुट IGST का टोटल, CGST का 8160, एक करोगे इनपुट SGST का टोटल 8160, इसमें कुछ नहीं था IGST में, और टोटल इसका आ जाएगा आपका 152320। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऐसे करके आपकी परचेज बुक बनेगी, ये ध्यान में रखना। तो नीचे आप यहाँ तक तो लाइन लगा दीजिए पहले, ठीक है, टोटल बदल गया किस किस का टोटल करना आपने, तो ये टोटल का कॉलम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सेकंड करेंगे, परचेज बुक बनाते हैं, इसमें परचेज बुक बनेगी आपकी। चलिए फिर भाई, सेल डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर LF, डिटेल, परचेज टोटल, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और बैंक टोटल का अमाउंट बोलो। फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो यह है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुप्रीर क्लोथ हाउस, है कपड़े का काम है ध्यान रखना उसका, और आपका CGST 2.5% है, SGST भी 2.5% है, और एपिल फोर तुमने राधा कृष्ण सन से खरीदा न्यू दिल्ली, ये भी आपका न्यू दिल्ली का है। इनवॉइस नंबर आपका कितना था, 305 एंट्री आप करेंगे इसके अंदर, क्योंकि गुड्स खरीदा आपने, कॉटन क्लोथ है, वुलन क्लोथ है। नेक्स्ट एंट्री आपकी है यूपी, यूपी से ध्यान रखना, ये दिल्ली है, तो इस पर IGST लगाना है। इनवॉइस नंबर भी आपको दे रखा है,
50 मीटर सिल्क क्लॉथ है 600 पर मीटर, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ है 250 पर मीटर के डिस्काउंट इसमें भी है। नेक्स्ट में ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये सेट्स खरीदा उसने, तो इसकी एंट्री को नहीं करोगे, टेंट चेयर वगैरह जो भी आपकी एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री आएगी क्योंकि ये परचेज़ किया हरिओम मेंशन से गुजरात, लिंक है गुजरात का, ये आपका डेली है, तो IGST इस पर भी लगाना। इन्वॉइस नंबर 390 है, 100 मीटर वुलन क्लॉथ है 600 पर मीटर, ये डिस्काउंट 50%। अच्छा, फ्रेट एंड चार्जेस की एंट्री नहीं करोगे इसके अंदर, जो फ्रेट की एंट्री ना अलग से होती है, इसके अंदर नहीं आती, ठीक है, ध्यान रखना, अलग से इसके ऊपर इनपुट वगैरह लगता है, फ्रेट चार्जेस को आपने नहीं करना, ठीक है, बस आपने ये करना है टेले वैल्यू लेके एसटी डिस्काउंट काटना है, प्लस दो CGST और क्या IGST, बल्कि इस पर तो IGST बनेगा, तो गुजरात का है ना, तो ये दिल्ली का है, तो पहले वाले जो एंट्री है उस पर दोनों बनेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे पहले डेट डालेंगे, डेट आपकी दे रखी है April 4, ईयर एक बार डाल देंगे, ईयर आपका दे रखा 2018, पार्टी का नाम है राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली, तो इसमें जो खरीदा है तो 100 मीटर कॉटन क्लॉथ है एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, 20,000 हो गया, डिटेल में आ जाइए। उसके बाद फिर इसमें खरीदा उसने 80 मीटर वूलन क्लॉथ है एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर, ये बनेगा 40,000, टोटल कर दीजिए, टोटल आपका बनेगा 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमें दे रखा है 20%, तो ये बनेगा 12,000 लेस कर दीजिए, टोटल बाकी बनेगा 48,000 प्लस करते हैं इसके ऊपर। अब ये दिल्ली का है तो दिल्ली सेम हो गया, तो दोनों लगेंगे, CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, वो 2.5% उसका लगा दीजिए, 2.5% उसका लगा दीजिए, तो दोनों का जब 2.5% लगाएंगे तो 1200 बनेगा, ये भी 1200 हो गया, ये भी 1200 हो गया, टोटल कर देंगे फिर इसका, टोटल बन जाएगा 50400। इसके आगे शो करेंगे हम यहाँ पे, इसमें 48,000 डाल देना परचेज के सामने, 1200 आपका इनपुट CGST आएगा, 1200 आपका इनपुट SGST आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, IGST नहीं है, टोटल बन जाएगा आपका 50400। अब नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है अप्रैल इसमें 12 को, पार्टी का नाम है रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, रघुवीर ऊपर इसमें जो इन्वॉइस नंबर था वो आपका 305 था, इन्वॉइस नंबर डाल देना, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, ये है कानपुर UP का है, तो इसमें आप डालेंगे फिर इसके अंदर जो एंट्री ट्रांजेक्शन है देख लीजिए वो क्या क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है इसके अंदर, तो ट्रांजेक्शन जो इसके अंदर दी हुई है वो हमारे पास है, एक तो 50 मीटर सिल्क क्लॉथ है एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर, एक उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 40 मीटर कॉटन क्लॉथ है एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट आपका कितने परसेंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, बुक में थोड़ा देखना ध्यान रखना, मैं नोट कर रहा हूँ इसको, तो हम यहाँ लेंगे एक तो 50 मीटर ये है सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर, ये बन जाता है 30,000, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है उसके बाद फिर ये है 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर, तो 10,000 ये बन जाता है, टोटल करेंगे 40,000 हो गया, लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इसमें दे रखा 10% है, 10% काटेंगे 4,000 कट जाएगा इसमें से, तो 36,000 आएगा, इसके अंदर लगाएंगे हम प्लस इनपुट IGST लगेगा, इसमें ध्यान रखना IGST बोल रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये यूपी का है जबकि ऊपर दिल्ली का था वो जो जिससे जो परचेज बुक जिसकी बना रहे हैं, तो इसमें सीधा 5% लगाना, कितना लगाओगे 5%, तो 1800 बनेगा यहाँ पे, ये ऐड करना है, ये बन जाएगा टोटल आपका 37800। अब इसके सामने डालेंगे हम जो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद आया वो तो परचेज में डाल देना, अब ना तो इसमें आपका CGST है ना इसमें आपका SGST है, केवल IGST है, IGST आपका कितना दे रखा है बताओ ज़रा एक बार, ये वाला
ये दे रखा है 1800, ये आप इसमें डालना IGST में, टोटल करके यहाँ डाल देना 37800। ये एंटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद नेक्स्ट एंटी पे आ जाते हैं, नीचे लाइन लगा देने को। नेक्स्ट एंटी आपकी आ रही है अप्रैल 25 की है, तो एक बार देख लेते हैं पीछे। अप्रैल 20 वाली एंटी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया, सेट्स आपने खरीदा है। 25 वाली एंटी होगी, परचेज किया हरी मोहन से गुजरात से, इन्वॉइस नंबर उसका क्या था, 390 था। ऊपर का इन्वॉइस नंबर भी डालना रहेगा, वो 240 आपका इन्वॉइस नंबर उसका डालेंगे। और 100 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा है 600 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 15% है। तो ये ट्रांजेक्शन जो हम करेंगे इसके अंदर, तो अप्रैल 25 पार्टी का नाम है हरी होम एंड सन्स गुजरात, उसका इन्वॉइस नंबर था ऊपर वाले का 240 है, इन्वॉइस नंबर डाल देना। यहाँ डालेंगे हरी होम एंड सन्स गुजरात, तो ट्रांजेक्शन है इसमें खरीदे उसने 100 मीटर वुलन क्लॉथ हैं एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर, तो 60,000 बनेगा यहाँ पे। बस उसके बाद इसमें बस लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 60,000 के ऊपर लगाएंगे, 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो 9,000 आएगा, 51,000 हो गए यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर प्लस करेंगे, अब इसके अंदर प्लस करेंगे इनपुट IGST, केवल IGST है वो 5% लेंगे, 51,000 का 5%, ये बनेगा 2550। ऐड कर देंगे इसके अंदर 53550 आ जाएगा, 53 क्या आएगा 550। अब इसके बाद इसकी ये लेंगे ट्रांजेक्शन लेंगे 51,000, तो आप परचेज के सामने डाल देना। उसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास ये अमाउंट दे रखा है 2550, और इधर टोटल आपका आ जाएगा 53550, ये आपका बन जाएगा। इसमें ना तो इनपुट CGST है, ना इनपुट SGST है, IGST ये भी ऊपर वाला भी यही था, IGST था, और पहले वाले में दोनों थे, इनपुट आपका CGST भी था SGST भी था, क्योंकि वो दिल्ली सेम था। ये दूसरा स्टेट हो गया UP, या दूसरा स्टेट हो गया गुजरात हो गया, तो इसलिए वहाँ पे हमारा IGST लगता है। अब टोटल करेंगे इसका हम, तो टोटल डेट लास्ट डालेंगे अप्रैल 30। एक तो मैंने परचेज का टोटल करने को कहा है, परचेज का टोटल आपका बन जाएगा 1,35,000, इसका टोटल बनता है आपका 1200, ये आगे भी इसका टोटल बनता है 1200, इसका टोटल बन जाता है आपका 4350, उसके बाद इसका टोटल बन जाता है हमारा 141750। नीचे एक लाइन और लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाँ जी, आपको परचेज बुक आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, तो आज आप टॉपिक जो करेंगे पहले परचेज बुक का ही करेंगे, एक्सरसाइज का एक तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपने, एक सेकंड क्वेश्चन करना है। उसके बाद ना कि आपने इसकी क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, 11th क्वेश्चन है, परचेज बुक बनानी है इसमें खाली, पर इसमें ना वो नहीं है आपका, ना तो CGST है ना आपका SGST है इसमें, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल कॉलम बनाने। एक तो पहले कॉलम बनाओगे डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट का कॉलम, बस बीच में वो कॉलम बाकी नहीं बनाने आपने। इसमें क्या क्या कॉलम बनाओगे, एक तो डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट का कॉलम, या परचेज का कॉलम या अमाउंट का कॉलम बना देना, बस इतना ही बना देना, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ सिंपल, ना तो इसमें CGST ना SGST कुछ नहीं दे रखा है, बस में एक तो जून 10 वाली एंट्री मत करना, ठीक है, तो बस ये एंट्री आप छोड़ देना, बाकी तो आपकी एंट्री शायद इसके अंदर, एक कैश डिस्काउंट वाली देखो, कैश डिस्काउंट दे रखा है ना इसमें, ये एंट्री भी नहीं करोगे इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक तो फर्स्ट वाली एंट्री जाएगी और एक आपकी 18 वाली एंट्री जाएगी, इसके अंदर आप खाली परचेज बुक बनाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें वो CGST SGST नहीं है, तो वो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने आपको कहा है डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट का कॉलम। नेक्स्ट आपका है जैसे 12th क्वेश्चन भी करना है, इसके अंदर भी आपने परचेज बुक बनानी, सिंपल परचेज बुक है, इसके अंदर कोई CGST SGST कॉलम नहीं रहेगा, बस आपको डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट, तो ये 2 क्वेश्चन आपने और करने हैं। फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का करोगे उसमें तो सब कुछ है,
उसमें सारे कुछ लगेगा जो भी मैं आपको कॉलम दे रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड करना है, उसके बाद आपने 11th करना है और एक आपने 12th करना है। चार क्वेश्चन आप कर लेंगे आज, बाकी कल करेंगे। इस कलम सेल बुक करेंगे, आज हमने क्या की है परचेज बुक करिए, कलम क्या करेंगे सेल बुक। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।